हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 6E एंड टुडेज टॉपिक इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट शॉर्ट की है SCF। एच मीन्स हाईएस्ट, C4 कॉमन, F4 फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसके बाद आपके जो पॉइंट है वो मैं आपको शो कर रही हूँ आपकी बुक से। ठीक है, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा टाइम हमारा सेविंग हो जाएगा, अगर लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, ये फर्स्ट है आपका पॉइंट जो है वो कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या होता है? जब कोई चीज़ कॉमन हो हमारी। ठीक है, जैसे कि सपोज करो मेरे पास ब्लू रंग का पेन है एंड एक ब्लैक ब्लैक पेन है, लेकिन आपके पास एक ब्लैक पेन है एंड एक रेड है, तो हम दोनों के पास कॉमन क्या हुआ? दोनों के पास क्या हुआ? ब्लैक हुआ कॉमन। ठीक है, यानी कि मेरे पास ब्लू और क्या था? ब्लैक था, और आपके पास क्या है? पेन ब्लैक एंड रेड है, तो आपके मेरे और आपका कॉमन क्या हुआ? पेन ब्लैक हुआ। इसी तरह से यहाँ पे लेके चलते क्वेश्चन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, तो वही पैटर्न यूज करना है। फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर हम 18 का एंड 24 का। वैसे मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, बट यहाँ पे फिलहाल लिखे हुए हैं तो मैं यहाँ से आपको एक ओरल बता रही हूँ कि कॉमन फैक्टर होता क्या है। फैक्टर लिखे हुए तो यहाँ से हम इनको समझते हैं। तो दोनों के फैक्टर लिखे हुए हैं दोनों के आंसर के। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो इनको सर्कल करके चलेंगे जो आपका कॉमन होगा दोनों के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं इसको जूम कर रही हूँ, स्क्रीन पर है आपकी, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर 2 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो इसको भी सर्कल कर दें। ऐसे ही यहाँ पे 3 भी, यहाँ पे भी 3, यहाँ 6 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे नहीं था इसलिए इसको नोट सर्कल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका फिर ये 9 है, यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पे 18 है बट यहाँ पे 18 नहीं है, फिर आगे की और नंबर भी है इसमें तो है बट इसमें नहीं है, इसलिए इनको सर्कल नहीं करेंगे। तो आपके जो कॉमन फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं यहाँ पे? आपके 1, 2, 3, 6, तो ये आपके क्या हुए? कॉमन फैक्टर हुए। ओके, उसके बाद है आपका पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका स्टूडेंट्स, ये है आपका HCF बाई, यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन करके चलेंगे जो मैंने आपको पॉइंट क्लियर किए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका सेकंड पॉइंट, यहाँ पे टिक कर सकते हैं या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं आप पेंसिल से अपनी। HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर ट्री मेथड। आपका जो HCF होता है वो दो मेथड से हो सकता है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन से और एक उसमें ही ट्री मेथड होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। पहले मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके से बताती हूँ, फिर आपको ट्री मेथड से बताएंगे। ठीक है, तो ट्री मेथड आपका स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको शायद एक्सप्लेन किया हो, आपको याद हो कि जैसे कि 12 है आपका कोई भी नंबर, ठीक है, इसको इस तरह से आपको नंबर से सबसे पहले आपको ये मैंने बताया था जो आसान वे था, वैसे तो उसको थोड़ा आप डिफिकल्ट भी यूज कर सकते हैं। आप ये लेके चल सकते हैं कि 12 किसके टेबल में आता है, भाई 6 के टेबल में आता है, तो आप उसको 6 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो। या फिर मैंने आपको बताया था सबसे आसान क्या है कि आपको छोटे सा छोटा नंबर लेके चलना है ट्री मेथड में, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि यहाँ पे आपका जो नंबर लिखा है ये आपका इवन है या ओड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका नंबर क्या है यहाँ पर, इवन है, तो इवन को क्या करेंगे आप? सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो 2 है आपका क्या है? प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ये भी हैंड टू हैंड चेक करेंगे। अगर प्राइम है तो उसको सर्कल कर देंगे, और अगर नहीं है तो उसको स्क्वायर या कोई भी आप बॉक्स बना सकते हैं उसके अंदर लिखेंगे। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? जो क्वाड्रेंट आएगा वो इसके ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। आप देख सकते हैं ना आपकी स्क्रीन पर ये रहा जो मैं शो कर रही हूँ। ठीक है, ये होता है आपका ट्री मेथड के अंदर आता है, ये फैक्टर जो मैं कर रही हूँ ट्री मेथड से कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फिर 2 से इसको क्या करेंगे? फिर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी 2 ये फिर से इवन डिजिट है, तो जो प्राइम नंबर है उसको सर्कल कर देंगे। जो आपका अगर यहाँ आप देख सकते हैं 2 से जब मैं 6 को डिवाइड करूंगी तो जो मेरा क्वाड्रेंट आ रहा है वो 3 आ रहा है। 3 कैसा नंबर है? मेरा प्राइम नंबर है, तो प्राइम को हम फिर से 3 सर्कल के अंदर लिखेंगे। अगर कोई वैसा नंबर होता कंपोजिट तो उसको हम क्या करते हैं? ब्रैकेट के अंदर करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके जो ये आया जो सर्कल के अंदर है, जो सर्कल वाला नंबर है वो आपका क्या होगा? प्राइम फैक्टर होंगे। आपको बड़ा ईजी हो जाएगा, ये आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कि आपके प्राइम फैक्टर यहाँ कौन से हैं, आपके कंपोजिट नंबर कौन से हैं। जो बस आपको याद रखना है जो सर्कल के अंदर है आपने पहले से लिखे हुए हैं वे आपके प्राइम नंबर है, और जो आपके ब्रैकेट के अंदर है वे आपके कंपोजिट नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका जो एक प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर होता है वो कौन सा होता है? जब आपको डिजिट दी जाती है तो आपको 2 डिजिट जैसे गिविन है तो दोनों को एक साथ नहीं, अलग अलग फैक्टर निकालने हैं आपको। ठीक है, आपको क्या करना है? अलग अलग फैक्टर निकालना है अगर प्राइम फैक्टर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, अगर फैक्टर है केवल तो आपको क्या करना है? उस वाले रूल से अप्लाई करना है। जैसे कि मैं आपको एक मिनट बता देती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका अगर सिंपल फैक्टर है तो फैक्टर
जैसे 24 है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो क्वाड्रेंट आएगा वो यहाँ लिखेंगे, तो 1 से जो इटसेल्फ ही आता है नंबर, हमेशा आपको पता है। अब क्या करेंगे, 1 के बाद क्या लेंगे, 2 लेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 के बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पर डिवाइड करने के बाद ये यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 12 आएगा, 12 से ये आपका यहाँ पर 24 ही लिखेंगे, लेकिन क्वाड्रेंट के साथ लिखते हैं ना हम इसको, डिवीजर को। उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 लेंगे, फिर 3 के बाद आपके 3 8 जगह पे आपको 24 आता है, ठीक है, फिर 4 आता है, 4 पर आपका 6 आता है 24। अब 4 के बाद आपका जो है 5 नहीं आता है, क्योंकि वो उसके टेबल में नहीं आता, इसलिए इसको स्किप स्किप करेंगे। फिर 6 आता है, 6 6 4 जो 24, लेकिन मैंने आपको कहा था रिपीट नहीं करना है, इसलिए इसको आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको इसलिए आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब जो है ये आके फैक्टर क्या हुए, यहाँ पे 1 2 3 4 6 8 12 और यहाँ पे 24, ये आपके क्या हुए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फैक्टर हुए। तो आपको समझ आया फैक्टर क्या होते हैं, तो अब आपको क्या करना है, फैक्टर जो होते हैं इस तरह से निकलते हैं, जो फैक्टर जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पर, ये मैं जो ऊपर पढ़ा रही थी आपको कॉमन फैक्टर, जब ये फैक्टर लिखे हैं ये यही लिखे हुए हैं, तो ये आपको फैक्टर क्लियर हुआ। अब मैंने आपको ट्री मेथड एक्सप्लेन कर दिया, अब प्राइम फैक्टर एक्सप्लेन कर रही थी। तो प्राइम फैक्टर कैसे करना है, मैंने आपको बताया था अगर आपको एससीएफ निकालने के लिए कहा है केवल प्राइम फैक्टर से, आपको याद रखना है अगर एससीएफ आपको यहाँ पर आपको 2 3 और रूल भी है आगे, इसलिए आपको याद रखना है कहाँ आपको ट्री मैथड निकालना है, एलसीएम से निकालना है या एससीएफ से। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, केवल हाइएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एससीएफ, ठीक है। तो इसलिए आज आप आपको केवल एससीएफ के द्वारा समझाया जाएगा, डिविजिबल आपकी डिवाइडेड डिवीजन प्रॉपर्टी होगी, जो भी सब प्रॉपर्टी होगी आज एससीएफ से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे एससीएफ जो है आपका प्राइम फैक्टर से, तो आपको याद रखना चाहिए अगर अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं एससीएफ से, तो आपको अलग अलग संख्या ले रखनी है और उसके फैक्टर तब करने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे याद रखना है कि ये आपका नंबर जो है इवन है या ओड है। तो आप देख सकते हैं आपका नंबर क्या है, इवन है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे स्टूडेंट, तो आप बड़ी इजिली से अपना क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, वरना आप यही सोचते रह जाओगे कि मैं इसको किससे डिवाइड करूँ किससे डिवाइड ना करूँ, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आप यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका इवन है या ओड है। तो आप इसको चेक करने के बाद अपना जो सबसे, अगर इवन है तो 2 लेके चलेंगे यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर ओड है तो 3 से कट करेंगे, 3 से नहीं हो रहा है तो 5 से, फिर ऐसे 7 9 इस तरह से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ओके। उसके बाद आपका फिर इस तरह से 16, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके फैक्टर क्या निकल गया है आपके 2 2 3, यहाँ पे क्या है 2 2 2 2, तो इन सबकी मल्टीप्लाई करके ये आपके प्राइम फैक्टर आ गए, क्योंकि ये आप देख सकते हैं जो 2 2 2 है ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ठीक है। इसी तरह से ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो इस तरह से निकलते हैं। उसके बाद है जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नहीं अभी ये इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और दिया है यहाँ पर इन्होंने, इसका एससीएफ निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको एससीएफ दिया है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ ये वाला क्वेश्चन भी, एससीएफ कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे। सबसे पहले 24 का आपको अलग निकाल लेना है, फिर यहाँ पे 40 का अलग निकालेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे इसने आपको प्राइम फैक्टर नहीं कहा, यहाँ पे इसने कहा है एससीएफ निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कहा है, ठीक है। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, इसने यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या कहा है, एससीएफ निकालने के लिए कहा साथ में, और वहां पे केवल आपको प्राइम फैक्टर निकलवा रहा था केवल। तो एससीएफ क्या होता है, एससीएफ इट मीन्स अभी मैंने आपको बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो सबसे बड़ा हो। तो सबसे पहले अलग अलग फैक्टर लेंगे, इनके फैक्टर निकाल लेंगे यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको पीछे अभी एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दोनों के अंदर कॉमन हो सबसे पहले वे लेंगे, तो सबसे दोनों के अंदर कॉमन क्या है, इसके यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो जो कॉमन है वो यहाँ पे लिख लेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे, वो आपका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इनके एससीएफ होगा, ओके। अब नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक वो है एससीएफ बाई डिवीजन मेथड। एससीएफ आपको करना है किससे, डिवीजन मेथड से करना है, ठीक है। तो जब आप डिवीजन जो आपका मेथड है उसमें क्या करना है आपको, जब डिजिट आपको गिवन करेंगे तो दोनों डिजिट को आपको एक साथ रखना है, आपको याद रखना है आपकी बुक में जो है आपका एग्जाम्पल है वो इसी मेथड से, या वैसे ये डिवाइड से भी हो जाता है, डिवाइड करने से भी, कि हम 12 को इससे डिवाइड करें फिर इसका प्राइम फैक्टर निकल जाता है। लेकिन आपको जो एग्जाम्पल आपका गिविन है वो आपका इस वाले रूल से है, तो आप इससे ही करेंगे इसको बुक में, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप दोनों दोनों डिजिट को यहाँ पे रखेंगे और दोनों को एक ही टेबल से कट करके चलेंगे, यानी कि जब 12 और कोमा 18 लिखा है तो कोई एक ऐसा टेबल लेंगे जो दोनों डिजिट को कट करता हो। तो इसके लिए सबसे आसान पैटर्न स्टूडेंट्स ये है कि सबसे पहले चेक करो कि आपका जो नंबर है वो आपका इवन है कि दोनों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 12 है, ये 18 है, तो ये आपके दोनों कैसे नंबर है, दोनों इवन नंबर है। तो ये क्या हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था इवन नंबर है, तो सबसे पहले 2 से ही कट करके चलेंगे, छोटी डिजिट जितनी लोगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, और अगर शुरू में ही बड़ी डिजिट लोगे तो आपका क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा, वो शुरू में बड़ी फिर लास्ट में छोटी।
अगर आप शुरू में बड़ी लेके सॉरी शुरू में छोटी लेके चलेंगे तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टू से कट किया है। अब आपको याद, ये कब आपको काटना कब तक है इस क्वेश्चन को डिवीजन मेथड में, आपको ये तब तक काटना है जब तक कि आपका नंबर दोनों डिजिट से कट रहा हो। जैसे कि टू से आपका ये वाला नंबर भी कट हो रहा है एंड 18 भी कट हो रहा है। अगर सपोज करो आपका टू से आपका केवल 12 12 कट होता है, 18 ना कट होता, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ टू से इसको कट करोगे ही नहीं, यहाँ पे केवल वन से शो करोगे कि वन से आपका 12 भी कट हो रहा है, 18 भी कट हो रहा है, तो टू को आप लिखोगे ही नहीं। यानी कि आपको ये तब तक लिखना है जब तक आपकी दोनों डिजिट एक टेबल से कट रही हो। अगर जैसे कि अब यहाँ पे आप टू से 2 6 12 कट गया, 2 9 18, अब टू से आपका 6 तो कट हो रहा है लेकिन 9 तो नहीं हो रहा। अब सर्च करो दूसरा नंबर, अब यहाँ पे क्योंकि आपकी एक डिजिट ओड हो गई और एक आपकी डिजिट इवन हो गई, ये ओड है ये इवन है, तो ऐसी कौन सा टेबल है आपका जो दोनों डिजिट आती हो 3 है। तो 3 के टेबल में आपने चेक करा 3 2 6 और 3 3 9, ये कट कर दिया। अब ये आपका देखो 2 से दोनों डिजिट कटी थी ना इसलिए कट किया, 3 से दोनों डिजिट कट हो रही थी इसलिए कट किया। अब देख सकते हैं आगे अगर आप इसको कट करोगे तो ये तो 2 से ही होगी और ये 3 से, यानी कि अलग अलग नंबर से हो रही है, इसलिए इनको यहीं पे स्किप छोड़ देंगे, लेफ्ट कर देंगे। तो आपके जो नंबर निकल के आए हैं कॉमन वो क्या है, 2 और 3। तो यहाँ लिख देंगे कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया है आपके, 2 और 3 इजिकल्स टू 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या हुआ यहाँ पे, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया आपका 6। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लेकिन इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन तो सेम है आपका, पैटर्न तो सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताना है साथ में, अगर आपका केवल जिसका फैक्टर 1 हो, यानी कि केवल एच कॉमन एच सी एफ ही केवल 1 आ रहा हो वहां से, वो आपका को प्राइम भी होता है, को प्राइम नंबर्स होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 9 10 है आपका यहाँ पे एंड यहाँ पे 15 22 है, डिजिट दी है, तो 9 10 को अलग लेंगे, 15 20 को एक साथ अलग लेंगे क्योंकि अलग अलग डिजिट है। यहाँ पे इसका एस सी एफ आप देख सकते हैं 9 तो 9 के टेबल से कट होगा, 10 10 के टेबल से भी कट हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, वैसे 9 जो है 3 से भी हो सकता है, 9 से भी हो सकता है, लेकिन आपको इसे कट करना है उस नंबर से जो दोनों को डिविजिबल करता हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 9 और 10 को एक साथ कट कर दे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको केवल वो ही नंबर लेना है, तो अगर नहीं है ऐसा कोई नंबर आप 1 से उसको कट कर सकते हैं, तो 1 से कट करेंगे, 1 9 1 9 और 1 10 10, तो आपका एस सी एफ क्या आ गया, आप 1 आ गया। इसी तरह से इसका भी आपका एस सी एफ क्या आ गया, 1 आ गया। तो इन नंबर को आप कैसे करके लिखोगे, ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये भी लिख सकते हो कि एस सी एफ इज 1, या फिर ये भी लिख सकते हैं सच पेयर्स ऑफ नंबर आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जो आज मैंने आपको रीड कराया है वो कौन कौन से टॉपिक रीड कराए हैं, कॉमन फैक्टर, एस सी एफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर ट्री मेथड, एंड आगे जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो किया है एस सी एफ बाई डिविजन मेथड, एंड आपका इसमें एक को प्राइम भी था एक हेडिंग। ठीक है, अब मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करती हूँ। तो जैसे कि आपकी एक्सरसाइज है 6E, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ, जो आप देख सकते हैं जिन पे मैंने टिक किए हुए हैं वो मैंने सोल्व किए हुए हैं, आपकी जो मैंने सोल्व करके आपको वर्क सेंड कर दूँ ना उसमें किए हुए हैं। ठीक है, इसके अदर जो क्वेश्चन बचेंगे वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी पे, क्योंकि क्वेश्चन तो आप कितने भी ले लो, कितनी भी डिजिट चेंज करके कितने भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, लेकिन मेन है कि आपको मैं एक क्वेश्चन अगर एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया और वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, तो इसके बाद जितनी भी डिजिट है, डिजिट ही तो आपकी चेंज है, बल्कि पैटर्न तो सेम ही है ना, तो पैटर्न को आपको समझना है, ना कि आपको डिजिट की रट्टाफिकेशन करनी है। तो जैसे कि हमेशा मैं आपको बोलती भी हूँ कि आपको क्या करना है, रटना नहीं है, मैथ्स तो कभी रट्टा भी नहीं जाता, तो आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, आपको केवल क्या करना है, मैथ्स को समझना है, समझने का काम है, अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ, मेरे साथ इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है स्टूडेंट्स वो उसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, इसका आपको क्या निकालना है, यहाँ पे मैं एक बार आपको क्वेश्चन रीड करा देती हूँ। पहले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखा है डिटरमाइन द एस सी एफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को फैक्टर निकालने हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, एस सी एफ लेना है वहां से, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो सबसे पहली जो डिजिट है आपकी वो है 5 एंड 10। ठीक है, तो सबसे पहले 5 के फैक्टर निकालते हैं। तो 5 के फैक्टर कैसे निकलते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम 1 लेते हैं, 1 से इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा जहाँ पर उसको क्वाड्रेंट को यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से कट नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, तो इसके केवल फैक्टर क्या हुए यहाँ पे लिख देंगे हम, फैक्टर ऑफ 5 के, यहाँ पे मैं केवल अभी आपको डिजिट लिख रही हूँ। ठीक है, जो जैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है कॉपी में वो मैं आपको
अपने जो मैंने पहले से ही सोल्व किया उसमें से शो कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केवल इसके फैक्टर लिखेंगे। तो 5 के फैक्टर क्या है आपके, केवल 1 और 5। अब 10 के फैक्टर निकालेंगे। 10 के फैक्टर कैसे निकलेंगे, सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे 10 को। तो डिवाइड करने पे आपके कितनी, 10 पे ही हो गया, इट सेल्फ नंबर ही आता है पहला, तो जैसे मैंने आपको बताया था। फिर 1 के बाद आप क्या लेंगे, 2 लेंगे। 2 से आपको इसको कट करेंगे तो 2 5 10। तो जैसे कि अब आपका ये 3 से कट नहीं होगा, 4 से कट नहीं होगा, 5 से कट होगा। तो 5 तो आपका क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो रिपीट वाली चीज़ को आपको नहीं लिखना है। तो आपका फैक्टर क्या है, यहाँ से 1 2 5 10 यहाँ लिख लेंगे, 1 2 5 10। मैं इसको रफ कर रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 आ गया आपका। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आपको सबसे पहले कॉमन फैक्टर लेने। सी एफ का मतलब हो गया आपका, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है। सी एफ का मतलब हो गया आपका कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर आपको सर्कल कर लेने या फिर आप ब्रैकेट कर सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर के लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया है, 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर आपका 5 आया। तो सबसे बड़ा इन दोनों में फैक्टर कौन सा है आपका, 5 है। तो यहाँ पे लिख देंगे एस सी एफ आपका आ गया 5। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं लिखने का प्रोसेस आपको मैं इसकी स्क्रीन पर शो कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले फैक्टर ऑफ 5 आर इजिकल्स टू क्या आया आपके, 1 5 आए, जैसे कि आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं। फिर फैक्टर ऑफ 10 के क्या आया आपके, 1 2 5 10 आए, यही तो आए थे। फिर आपने जो सर्कल कर किए हुए हैं वो आपके कॉमन है, यहाँ पे लिखे कॉमन फैक्टर ऑफ 5 एंड 10 आर इजिकल्स टू क्या आए हैं, 1 5 आए। हाँ, एच सी एफ इजिकल्स टू 5, एच सी एफ मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर 1 और 5 में कौन है, 5। ठीक है, इसी तरह से इसका डी आगे के पार्ट सेम है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, उसको ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेन किया ना, सेम सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल आप ऐसे ही करें, क्वेश्चन सब आंसर सही आएंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ऊपर क्वेश्चन रीड करा देती हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप रीड करेंगे मेरे साथ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना है स्टूडेंट, जब आपको 2 डिजिट गिवन किया है तो आपको अलग अलग फैक्टर निकालने हैं दोनों के, एंड फिर क्या करना है, वहां से एचसीएफ निकाल देना है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, ए पार्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 45 एंड 30 डिजिट, ये आपको डिजिट इन्होंने गिवन की है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 45 का फैक्टर निकाल लेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि ये ओड है या इविन है। तो ये जैसे कि देख सकते हैं आपकी ओड है, तो 3 से कट करेंगे, ये आपका 15 बार कट हो गया। 3 से फिर से करेंगे, 3 5 15 एंड फिर से 5। ठीक है, इस तरह से आप इसको करते करते चले जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चले कि मैम ने तो बड़ी जल्दी जल्दी कट कर दिया। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं कट करना आता है स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 45 है आपका, ओके, तो 3 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे अपना साइड में यहाँ पे रफ कॉपी में अपनी। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, तो यहाँ माइनस करेंगे, 1 आ गया, 5 को नीचे उतारेंगे, सॉरी 3 5 जा 15। तो ये पूरा कट होना चाहिए, अगर आपको ये यहाँ पे टेबल ले रहे हो ना, तो उससे वो पूरा कट होना चाहिए, जैसे आपका ये नंबर यहाँ पे पूरा कट हो गया। ठीक है, जो क्वाड्रेंट आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, बस आपको ये याद रखना है कि आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट लिखना है, ना कि रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका 0 आएगा तभी आपका आंसर सही आएगा, बस अगर आपने अपने माइंड में सेट कर लिया ना स्टूडेंट्स, तो मैं कहती हूँ आपका जो, आप कभी भी एस सी एफ या एल सी एम जो भी निकालोगे आपका कभी गलत नहीं होगा। और आपको साथ में ये भी याद रखना है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अगर यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि आपकी डिजिट यहाँ इवन है या आपकी यहाँ पे ओड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओड डिजिट थी, तो मैंने 2 से कट नहीं किया है, अगर इवन होती तो 2 से कट करती। अब बात करते हैं मैं 2 और 3 को क्यों ले रही हूँ सबसे शुरू में, क्योंकि ये छोटे नंबर है, 2 और 3 के टेबल आपको आसानी से याद रहते हैं, आप भूलते नहीं हो। जो बड़े टेबल होते हैं वो आप भूल जाते हो, 2 और 3 ऐसा टेबल जो आप नहीं भूलते जल्दी से। तो सबसे पहले अगर इवन डिजिट है तो 2 से कट करके चलेंगे, अगर ओड है, ओड में ऑप्शन आ जाते हैं कि जैसे कि 3, अगर 3 से भी कट ना होता तो हम 5 से कट करते हैं, क्योंकि ओड हमारी 1 3 5 7 ये होती है। ठीक है, तो 3 से मैंने इसको डिवाइड किया, जो क्वाड्रेंट आया वो यहां लिखा, तो डिवाइड करके भी मैंने आपको शो कर दिया। अब फिर से क्या करना है, फिर से वही प्रोसीजर दोहराना है आपको। अब आपका यहाँ 15 आ गया, फिर से आपको 15 को क्या करना है, कोई ऐसा नंबर, ये फिर से ओड आया है, चेक करते रहना बार बार कि ओड आ रहा है इवन आ रहा है। तो ये फिर से क्या आया आपका,
ओड आया, तो 15 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 5 जा 15, तो जैसे कि आपका जो क्वाड्रेंट आया ये आया है फिर से यहाँ पे, तो इसको फिर से मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो फिर से अब ये 5 आ गया, 5 तो 5 की टेबल से ही कट होगा, तो 5 बन जाए 5। इस तरह से आपके यहाँ से क्या आ गए, फैक्टर क्या आ गए, 3 3 5, ठीक है। इनको हम बाद में लिख लेंगे, फिलहाल मैं आपको शो कर रही हूँ कि फैक्टर निकालते कैसे हैं। उसके बाद जो है अब आपका 30, 30 निकालते हैं, तो जैसे कि आपको पता है 30 आपका कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, यस 2 से करेंगे, 2। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ 30 को हम डिवाइड कैसे करेंगे, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ आ गया आपका 0, 2 5 जा 10, ठीक है। तो यहाँ 0 आ गया, तो आपका जो यहाँ पे क्वाड्रेंट आया है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ आ गया 50। आपको बस यही चीज, अगर बस आपको केवल यही चीज याद रखनी है, अगर आपने ये चीज याद रखी तो आप 100% क्वेश्चन सही करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले जो नंबर ये चेक करना है सबसे पहले कि ये ओड है या इवन है, इवन है तो 2 से कट करेंगे, ओड है तो 3 से या 5 से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपने डिवाइड करने के बाद यहाँ फिर से जो अपने आपका जो नंबर आया है वो ओड आ गया है, तो और तो आपका 2 से कट नहीं होगा, वो आपका 3 से कट होगा। तो 3 के टेबल में तो ये तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो आप ओरल भी कर सकते हो, छोटा नंबर है, 3 5 आपका 15 कट हो गया, तो फिर से 5 आ गया, फिर 5 तो किसके टेबल में आता है, 5 के में ही आता है, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ से फैक्टर क्या निकल के आया है आपके, 2 3 5। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके फैक्टर निकल के आए हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ क्वेश्चन, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे आपको लिखने का तरीका ये है, प्राइम फैक्टर ऑफ 45 आर इजिकल्स टू, सबसे पहले जो फैक्टर कौन से आए थे, 3 3 5, यहाँ पे लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, ये इस तरह से। फिर इसके भी फैक्टर यहाँ पे लिख लिया मैंने। अब जो कॉमन है, केवल जो कॉमन है वही लेंगे, तो कॉमन कौन से आपके यहाँ पे देख सकते हैं, 3 3 ये है और 5 5 है, इसमें 3 यहाँ पे नहीं है एक्स्ट्रा, तो इसलिए नहीं लिखा। 2 है जो आपका यहाँ पे भी नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। अब ये 3 3 जो है यहाँ पे लिख लेंगे, इसमें दोनों कॉमन है, 2 बार नहीं लिखेंगे, दोनों में कॉमन है इसलिए एक बार लिखेंगे। यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे 5 है, दोनों 2 बार है लेकिन लिखेंगे एक बार ही, क्योंकि इसमें कॉमन इसका कॉमन एक बार काउंट होगा, 3 5 जै 15। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है इस तरह से। आफ्टर दैट एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम इसको रीड कर लेते हैं एक बार। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोला है फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। तो जैसे कि मैंने आपको डिवीजन मेथड एक्सप्लेन किया था, यहाँ साइड में आप देख सकते हैं इसको इसी पैटर्न से करना है। तो इसकी जो डिजिट है वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है उसकी डिजिट है आपकी 30 एंड 50, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी डिजिट क्या है, 30 एंड 50। तो सबसे पहले एचसीएफ मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, इकट्ठा एस, अगर आपको क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो अलग अलग, एंड अगर डिवीजन मेथड है तो एक साथ। तो 30 50 को लिख लेंगे, तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपके दोनों नंबर इवन है या ओड है। तो यहाँ देख सकते हैं आप इवन है, ये भी इवन है क्योंकि लास्ट जो डिजिट है यानी कि सॉरी आपका जो वंस प्लेस है वो क्या है आपका यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर इवन है यस थिंक ये आपका क्या हुआ यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड मैंने आपको बताया था। डिवाइड कैसे करते हैं उसका जो क्वाड्रेंट है यहाँ पे लिखना है, तो मैं तो डायरेक्ट कर लेती हूँ, मुझे तो आता है, आपको सीख रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो 2 से हम जब 30 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 15, 50 को जब डिवाइड करेंगे यहाँ आएगा 25, क्वाड्रेंट लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है आपका फिर से ये देख सकते हैं ये कैसा नंबर आ गया, ये आ गया आपका ओड, जो वंस प्लेस पर लिखा है ये ओड है, ये भी ओड है, तो ये आपका किससे कट होगा, 3 से, क्योंकि सबसे पहले आप 3 से कट करके चलेंगे, तो जो कट हो रहा है उसको कट कर देंगे, जो नहीं हो रहा है उसको आप क्या करेंगे यहाँ पर लेफ्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको लेफ्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, बस केवल वही नंबर आपको तब तक काटना है, मैंने आपको बताया था डिवीजन मेथड में आपको तब तक काटना है जब तक एक नंबर से आपके दोनों नंबर कटते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 से आपका 15 तो कट हो रहा है लेकिन 25 आपका कट नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको आप क्या करेंगे यहाँ पे यहीं पे लेफ्ट कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि ये आपका आगे क्या हो रहा है कट नहीं हो रहा है सेम नंबर से, आपको सेम नंबर चाहिए हमको कट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, इसको लिखने का जो तरीका है वो आपको मैं शो कर देती हूँ स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3, ओके एक मिनट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर, यहाँ पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये मैं सॉरी ये मैंने 3 से कट नहीं हुआ था, ये आपका 5 से कट हो जाता है यहाँ पे,
ये मैं छोड़ दिया, आधा छोड़ दिया, तो ये मैंने क्या किया है, फाइव से कट हो जाता है ये मेरा, फाइव से फाइव थ्री जा 15 और फाइव फाइव जा 25, ठीक है, एक बार और कट हो जाता है ये आपका, तो ये आपका टू और फाइव आ गया कॉमन फैक्टर, टू फाइव जा कितना हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, एक बार देख लेना, मैंने जैसे आपको बताया था ना ओड डिजिट जो होती है आपकी, एक बार जरूरी नहीं कि वो थ्री से कट हो, वो मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि ओड डिजिट आपकी केवल थ्री से ही कट हो, वो फाइव से भी हो सकती है, सेवन से भी हो सकती है, तो मैंने आगे नहीं देखा। तो अभी मैंने ये पहले से सोल्व किया होता, लेकिन ये मैंने वहाँ पे सही किया है, तो फाइव थ्री जो 15, फाइव फाइव जो 25 कट हो गया, तो यानी कि अब आगे देख सकते हैं थ्री अलग है फाइव अलग है, तो अलग अलग नंबर से कटा, इसलिए मैंने इसको आगे नहीं सोल्व किया। ओके, तो कॉमन फैक्टर आ गया आपका 2 × 5, सो एस सी एफ ऑफ 30, 50 इसका हो गया आपका 10। एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, कभी आप कन्फ्यूज हो जाए, क्योंकि मैं आपको जो बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देती हूँ वहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे छोड़ दिया था। तो 30 का 50 को एक साथ रखना है डिवीजन मेथड में, टू से कट किया, दोनों नंबर एक साथ कट हो रहे थे, टू से 30 को किया 15 आ गया, टू से 50 को किया 25 आ गया, ये क्वाड्रेंट लिखे हुए मैंने जब डिवाइड करती हूँ, जैसे मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे थ्री ले रही थी, थ्री से 15 तो कट हो रहा था लेकिन 25 नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसको बोर्ड पे समझाते हुए छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा ये मैंने आगे का नंबर नहीं लिया था, तो मैं यहाँ पे अब एक्सप्लेन कर रही हूँ आगे का। फाइव से 15 को डिवाइड करेंगे थ्री से, और फाइव को 25 से करेंगे, तो फाइव फाइव जो 25, तो थ्री फाइव अलग अलग नंबर आ गए, इसलिए इसको यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे। कॉमन फैक्टर आ गया आपके यहाँ से 25, 25 कितना हो गया 10, तो एस सी एफ आपका हो गया 10। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर फोर पर चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पर फाइंड द एस सी एफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड से इफ दे आर कोप्राइम्स। आपको यहाँ पे क्वेश्चन को अलग बना दिया उन्होंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फैक्ट, आप क्या करोगे यहाँ पर इनको प्राइम डिवीजन मेथड से ही करोगे, बट आपको बस ये चेक करना है कि आपका ये नंबर कोप्राइम है या नहीं है। अगर आपके केवल एस सी एफ वन आ रहा है, वन केवल क्या आ रहा है, वन, तो वो आपका कोप्राइम होगा, और अगर वन से अधिक फैक्टर आ रहे तो आपका कोप्राइम नहीं होगा। तो जैसे कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर फोर को, ये देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो फोर है आपका यहाँ पे शो हो रहा है, सॉरी फोर ये रहा, तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, अच्छे से आपको शो होगा। फिर क्वेश्चन नंबर फोर है आपका 15, 30 को मैंने यहाँ पे लिखा, इसका डिवीजन मेथड से फिर से फैक्टर निकाला, थ्री से फाइव, थ्री फाइव जब 15, थ्री से इसको डिवाइड करेंगे 10 पे हो गया, ठीक है, फिर से फाइव से आप इसको कट कर सकते हैं, फाइव फाइव, क्योंकि फाइव के टेबल में फाइव भी आता है और 10 भी आता है, तो फाइव फाइव जब 5 और 10 भी आता है, फिर 1, 2 आपके अलग अलग नंबर से कट कर, इसलिए इनको यहीं पर हमने लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। तो अब आप देख सकते हैं आपके जो फैक्टर आए हैं वो आए 3 और 5, ठीक है, तो 3, 5 जा क्या हो गया 15। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपका केवल फैक्टर 1 आए तो ही आपका यस होगा, वरना नो होगा, तो ये आपका क्या हुआ, नो हुआ। एक मैंने नो वाला किया है, एक मैंने यस वाला, ठीक है, तो अब यस वाला देखते हैं यहाँ पे, बी वाला 25 से 27 डिजिट रखी, अब दोनों ही नंबर आपके कैसे हैं, ओड है, तो 25 केवल 5 के टेबल में आता है, 27 आपका 9 और 3 के में आता है, दोनों ही अलग अलग टेबल में आते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको मैंने आपको क्या बताया था, ऐसी सिचुएशन में आप इसको 1 से डिवाइड करके शो कर देंगे, तो 1 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 25 इटसेल्फ आता है नंबर, 1 से 27 को डिवाइड करेंगे इटसेल्फ आता है, क्योंकि 1 से दोनों ही नंबर डिवाइड हो जाएंगे, बट ओ टेबल से नहीं होंगे। तो यहाँ पे एस सी एफ ऑफ 25 एंड 27 का क्या आ गया, 1 आ गया, तो इसका आंसर हो गया आपका यस। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दोबारा से बता देती हूँ, इस क्वेश्चन में केवल आपको को प्राइम सर्च करना है। अगर आपका नंबर एक से अधिक फैक्टर लेके आ रहा है तो आंसर नो लिखोगे, और अगर एक लेके आ रहा है तो आप उसका आंसर यस लिखोगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव, स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड, ये सबसे आसान आपका मेथड होता है, ये आपको मजा भी आता है थोड़ा करते हुए, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ओके, तो ट्री मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने पहले से ही सोल्व किया, थोड़ा आपको इजी हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर फाइव का ए पार्ट। ओके, तो यहाँ पे है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड। आपको क्या करना है, फाइंड यहाँ से प्राइम फैक्टर करना है, तो किससे करना है, लेकिन ट्री मेथड से करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप अपना नंबर लिखेंगे, जैसे मैं स्टेप बता रही हूँ आपको स्टेप फॉलो करने, अगर स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। अगर
स्टेप याद रहेंगे तो आप आसानी से अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो जैसे मैं बता रही हूँ आपको, केवल वैसे ही इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 30 आपने डिजिट ली, अब उसके बाद सबसे पहले ये देखो, ये इवन है ये ओड है, तो यस ये कौन सी डिजिट है आप मेरे साथ बोलेंगे, ये इवन है, ठीक है। तो इवन है तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, पहले सबसे पहले ये दो इस तरह से आप यहाँ पे लाइन बनाएंगे, ठीक है, स्लाइड वाली थोड़ी। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, एंड डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो नंबर आ रहा है वो प्राइम आ रहा है या फिर आपका कैसा आ रहा है, कंपोजिट नंबर आ रहा है। अगर प्राइम नंबर आ रहा है तो उसको भी सर्कल कर देंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर रख देंगे, ताकि आपको याद रहे कि इसको आगे भी आपको कट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, 2 लिया था। 2 कैसा नंबर है, प्राइम है, इसलिए हम इसको सर्कल कर देंगे, ठीक है। 15 क्या है आपका यहाँ पे, 2 से इसको डिवाइड करके आया। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं जब डिवाइड करती हूँ कैसे करती हूँ, 2 से इसको 30 को डिवाइड करूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 1 जा 2, 3 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 0 उतारेंगे, 2 5 जा 10, तो ये माइनस हो गया, पूरा 0 हो गया आपका। तो आपका क्वाड्रेंट क्या आया है, 15 आया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 आपका पहले से ही बॉक्स में लिखा होगा, ओके। तो अब क्या करेंगे, 3 से इसको फिर से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15। तो लेकिन अब इस बार मैंने इसको सर्कल किया है, क्यों किया है, क्योंकि ये आपका प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है। अब आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, आपको बड़ी ईजी से पता चल जाएगा ये आपके जो सर्कल के अंदर है ये आपके प्राइम फैक्टर हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 आर इजिकल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। स्टूडेंट्स, इसके आगे के पार्ट आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे रफ कॉपी पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने सबके क्वेश्चन के पार्ट जो है, जैसे कि 1 है, 1 के भी 2 किए हैं, 2 के भी क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट किए हैं, और मैंने आपको ये PDF के द्वारा सेंड कर दूंगी। आप इसको फेयर कर लेना वर्क को, लेकिन इसके अदर जो क्वेश्चन आपके बचेंगे वो आपको क्या करने हैं, अपनी रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा तो आप मैसेज से पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके स्टूडेंट्स। आई होप कि आज मैंने जो आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन किया, एक्सरसाइज 6E, वो आपको अच्छे से समझ आई हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाए हैं फर्स्ट टाइम देखने पर वीडियो को, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।